यूसुफ अली, इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के नीलेश वर्तक, सामाजिक कार्यकर्ता है। यहाँ इन्होंने कुछ शिकायतें पुलिस विभाग को और दिए, हम उसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं। इसके बाद में मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँगा। नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार, बोलिए नीलेश जी, आपने क्या शिकायतें किए और क्या पत्र शासन को या पुलिस को भेजा, बताइए। मैंने वसई पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक इंचार्ज उनको मैंने एक पत्र लिखा था कि ये महाराष्ट्र शासन का गाड़ी के ऊपर नाम लिखता है, खास प्राइवेट गाड़ी के ऊपर वो नाम लिखता है और खंडनी वसूल करने को घूमते रहता है उधर उधर। और ये गाड़ी भी ये जो है कापसे उनका नाम पे है एक गाड़ी, और ये अरुण मुड़तड़क उनका नाम पे गाड़ी नहीं है, ये दूसरे का नाम का गाड़ी है, उसके ऊपर भी पहले का भी फाइन है। मतलब ये गैर कानूनी गाड़ियाँ चलाते हैं और ये इसके ऊपर कार्रवाई खंडनी के लिए गाड़ी यूज़ किया जाता है। ये कौन अधिकारी? ये अधिकारी एक और कॉल कौन है मुड़तड़क और एक पुरोठा अधिकारी है कापसे। दूसरा भी आपने कुछ शिकायत ऐसा की थी कि यहाँ प्राइवेट कैंडिडेट काम करते हैं, उस पर मेरी बात खुद रोशन कापसे से हुई थी। वो उनका कहना है कि ये जो आपका दावा है वो गलत है, आप जो फोटो वायरल कर रहे हो वो जूना है, इस पर क्या कहेंगे? ये जूना है तो आप चलिए मेरे साथ में। वो रोशन कापसे ने उधर बार का जैसा बना के, दहसर में बार है ना, लेडीज बार, ऐसा बार बना के रखे, आप चलिए मेरे साथ। मैंने उसका कंप्लेंट कल भी तहसीलदार को दिया है, अभी कलेक्टर को दूंगा, DSO को दूंगा और विभागीय आयुक्त को भी दूंगा। ये आपके हाथ में क्या आप दिखा रहे? ये अभी इनको फाइन मारा हुआ है 500-600 रुपया, जो भी कुछ फाइन है, पहले का 1700 रुपया फाइन भी बाकी है। ये मतलब इनके ऊपर ये फाइन मारा है, इनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई करने के लिए मैं पाठ पुरवा करूँगा। आप आरोप लगाते हैं कि यहाँ कुछ पेपर में आपकी खबर भी आई, आप आरोप लगाते हैं कि यहाँ जो पुरोठा विभाग है उसमें लोगों को काम नहीं होता है और समय पर लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलते या दाखिले नहीं मिलते, वो क्या विषय है? ये है, हफ्ते में 3 ही दिन बोलता है, लेकिन 3 दिन बोलेगा तो 1.5 ही दिन होता है, 10 बजे चालू करता है, 1.5 बजे बंद करता है, उसका बाद में फॉर्म लेता नहीं है नया रेशन कार्ड बनाने के लिए, रेशन कार्ड का फॉर्म स्वीकारते नहीं है। महाराष्ट्र शासन का ऐसा कोई नियम नहीं है, ऑल द महाराष्ट्र में 6 ही दिन चलना मांगता है। ये प्राइवेट सेतु को काम दिया हुआ है, ये इनका काम नहीं है ना, तो भी इन लोग करते नहीं, इनको काम नहीं करने का है, इनको क्या करने का है? जब पैसा मिलने का होगा, जो स्वप्निल टिकोना बीच में आके जो किया था ना, कुछ पकड़ के दिया था, जब उनको पैसा मिलने का होगा तो रात को भी आके बैठ के उन लोग खोटा नाटा जो रहता सब बना देता है, 20,000 रुपये लेता है, और कोई तो भी गुनहगार क्षेत्र का आदमी को लेके बैठ के काम करता है इन लोग। तहसीलदार मैडम जो है वरिष्ठ अधिकारी, उनका इस पर क्या कहना, उनको आपने कंप्लेंट की? उनको बार-बार कंप्लेंट किया है, लेखी कंप्लेंट किया है, वो कुछ ध्यान है, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है, हमारा आरोप है, इसका सामने इतना हो रहा है तो भी लोग बोलते हैं, तो भी वो कार्रवाई नहीं करता है, इसकी भी चौकसी होना मांगता है। इसका पहले मैंने एंटी करप्शन को पत्र दिया है, मैं तहसीलदार के खिलाफ, इनकी भी चौकसी होना मांगता है, ये भ्रष्टाचारी तहसीलदार है, ये इन्हें का भी फुट कम पीछे 6 रुपया 7 रुपया जैसा आदमी देख के पैसा लेता है, ये दलाल का मार्फत ही लेता है काम, कोई खेड़ी खातेदार आएगा डायरेक्ट तो काम करती नहीं है, दलाल का मार्फत ही से काम करता है, इसके लिए इधर भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, दलाल का मार्फत काम लेके पैसा कमाए लिए, भ्रष्टाचार की चौकसी इसकी होना मांगता है, एंटी करप्शन मार्फत चौकसी होना मांगता है। आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये चाहे इसके ऊपर कार्रवाई होना मांगता है बस। अब तक कोई भी तकरार अर्जी करेगा, कोई पाठ पुरावा करेगा, कोई तहसीलदार में आके कुछ पूछताछ करेंगे, इसका क्या हुआ, ये अर्जी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, पाठ पुरावा करेगा, तो इन लोग ऐसे पत्रकार हो, ITI कार्य करते हो और सामान्य जनता को कोई भी कुछ पूछने को गया, सेतु के बारे में पूछने को जाओ, स्टेशन कार्ड के बारे में पूछने को जाओ, तो इन लोग क्या बोलते हैं, सबको बोला चलो रे गुनाह दाखिल करने को, चलो सब बंद करो, चलो पुलिस स्टेशन गुनाह दाखिल करते हैं, जैसे कि पुलिस ने इनको सब खरीद लिया, ऐसी सब बातें करते हैं, तो संगठने वाले को भी तकलीफ देता है, राजकीय पक्षों को भी तकलीफ देता है, ये ऐसे तरफ से इन लोगों को इनकी चोरी छुपाने के लिए लोगों को धमकाता है पुलिस स्टेशन का, क्योंकि इन्हें बहुत चोरी किया है। ये अपना ये जो है कापसे बोलता है हमारा कुछ नहीं होगा, हम नागपुर से आया है, सब काम हमारा नागपुर से खेलता है, ये ऐसा समझता है नागपुर से हम सबको पैसा देते आया है, ऐसा इसका कहने का मतलब है। ये सब जो तहसीलदार कार्यालय में जो बैठे ले चोर लोग भ्रष्टाचारी, इनका खिलाफ कार्रवाई होना मांगता है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी नीलेश वर्तक से, इन्होंने बताया सबसे पहले इनका ये कंप्लेन था कि यहाँ जो सरकारी अधिकारी है वो प्राइवेट वाहनों के ऊपर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगा के घूमते हैं, और इसकी कंप्लेन पर इनको आज चालान भी यहाँ पुलिस ने दिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो प्राइवेट कैंडिडेट की बात है, उस प्राइवेट कैंडिडेट का पिछले साल 2 अप्रैल 2021 को गुड फ्राइडे के दिन सरकारी छुट्टी के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, और उस समय ऑन कैमरा रोशन कापसे जो पुरोठा अधिकारी, उन्होंने
ये बात स्वीकारी थी कि यहाँ जो प्राइवेट कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनको पगार मैं अपने जेब से देता हूँ। तो सवाल ये है कि रोशन कापसे की इतनी कितनी पगार है कि वो 12 लोगों को अपनी जेब से पगार देते हैं। दूसरी बात कि रोशन कापसे की जो गाड़ी है जिसपे अभी ये सब बवाल हो रहा है, वो गाड़ी भी उन्होंने कैश में खरीदी हुई है, तो कैश का स्टेटस ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि उसकी जाँच पुलिस को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को ये देखना चाहिए। जो 2 अप्रैल की घटना का मैंने आपको बात बताया उसको लेकर शासन तलक कंप्लेन गई है, लेकिन शासन ने उस पर क्या किया उसका आज दिन तक कोई लेखा जोखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा होता है कि शासन ही इन लोगों को ये सब करने की खुली छूट दे रहा है। इससे पहले अगर इनके ऊपर अंकुश लगाया जाता तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। आज यहाँ लोग परेशान हैं, लोगों को राशन कार्ड समय पर नहीं मिलता है, और जैसा अभी आरोप लगाया कि यहाँ जिसके पास कुछ दस्तावेज नहीं है उसको राशन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास सब कुछ दस्तावेज है उसको राशन कार्ड नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ भ्रष्टाचार वसई के तहसील और तहसील के मातहत पुरवठा विभाग में चल रहा है, जिसका खुलासा आपने अभी लाइव देखा। आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। डॉक्यूमेंटेशन का है, रिकॉर्ड का है, एक राशन कार्ड जास्त करून देण्याच्यामध्ये कमिशन असेल, असूही शकतो ना सर? आणि याच्यामध्ये मी जर खोटं बनवलं तर हे इथे नियुक्त झालेले नाहीये, हे जर खोटं बनवलं तर घेणार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी? आणि बनत पण असतील, मग सामान्य माणूस, गरीब माणूस जो आदिवासी इथे येतो राशन कार्ड बनवण्यासाठी, तो कुठे जाणार? मग पोलीस स्टेशनला पळणार का माझं खोटं बनवून? तुम्ही त्याला अटक करणार तुझं राशन कार्ड खोटं आहे असं सांगून? मग हे जर नियुक्तच नसतील तर ह्यांनी केलेली रेशन कार्ड, ह्यांनी भरलेले फॉर्म ऑफिशियल कसे झाले? लिगल झाले का ते? अनधिकृत झाले ते? तुमचं म्हणणं असं आहे की 10,000 मॅडमांना तुम्ही सांगून दिले स्टॉप नियुक्त केलं असं? ते कमी स्टॉपची म्हणजे आपल्या कमिटी होती ना, तेव्हा त्यांनी पण आम्ही सांगितलं की आमच्याकडे हा स्टॉप आपण ठेवू। नाही नाही नाही, एक मिनिट मी सांगतो। 2 दिवस अगोदर यांनी यांचा व्हिडिओ बनवलेला, मॅडमनी यांना त्वरित काढण्यात आलेलं, हे आज परत इथे बसले, मॅडमना काहीच माहित नाही याच्यातलं। माझ्याकडे 3 महिने रेशन कार्ड नाही, गव्हर्नमेंट स्टॉप होता, तर 3 महिने रेशन कार्ड आता आहे, माझा जो बॅकलॉग आहे तुम्ही फक्त यांना म्हणतो मला काढून द्यायला, त्याच्यानंतर हाच सोमवारपासून आपण यावर बंद सांगणार सर। बॅकलॉग काढण्यासाठी त्या दिवशी सांगितलं ह्या आम्ही उंबाड्यांना यांच्या उंबाड्याला नियुक्त केलंय, उंबाडीत बसताना फक्त आपला जो काम आहे पेंडिंग काम, तो पेंडिंग काम काढण्यासाठी आपण आज बसतो सर। तुम्ही तसं मॅडमांना सांगितलं की सोमवारपासून बसणार आमच्याकडे रेशन कार्ड नव्हते, आपल्याकडे पेंडन्सी खूप जास्त आहे। मॅडमनी जर या माणसाला 2 दिवस अगोदर यांना पकडलं, या रिपोर्टरनी, यांचं नाव आपलं स्वातंत्र्य सागर न्यूज चॅनल सेफ न्यूज काय आहे त्यांचं, त्यांनी जेव्हा व्हिडिओ शूटिंग काढली तेव्हा या माणसाला तिथून मॅडमनी सांगितलं बरं याला लगेच बाहेर काढा तहसील कार्यालयात। मी वारंवार टोपण ऐकतो तरी यांच्या तक्रारी केलेल्या आहेत, आणि परवाच्या दिवशी मी आणि इसुभाई आलेले याला रेड हँड पकडला, तहसीलदार मॅडमच्या समोर यांना बोलून त्याला काढण्याचा, पण तो विषयच नाहीये ना, यांची नियुक्तीच नाहीये, यांच्याकडे कार्डच नाहीये, आयडी कार्ड कुठे यांचं, यांचा संबंध काय? उद्यापासून मी पण इकडे येऊन बसू आणि रेशन कार्ड बनवू का? मग उद्या परवा पोलिसांची कामं पेंडिंग असतील तर मी गुन्हेगार पकडायला मी फिरू का? मी पोलीस आहे का? नाही ना। काय करा तू? एक तो तुम्ही क्लेरिफाय तरी करा ना, काय नाही बंद करताय तुम्ही, गुन्हा दाखल करा सर, गुन्हा नोंद करणे मी काय शासकीय कामामध्ये, हे काम अनधिकृत आहे ते मान्य केलं आता त्यांनी, ते बोलल्यात तर बरं आम्ही बंद करतो, पण हे जे अनधिकृत बांधकाम हे चालले, हे जे राशन कार्ड बनवलेले आहेत सर्व, ते अनधिकृत रीते इथे बसून बनवलेली, आता त्याच्यावर गुन्हा दाखल करणार। एक अजून गोष्ट आहे, आज छुट्टीचे दिवस आहे, यांच्यावर तारीख कशी टाकलेली हे पण बघा, आजची आहे या पूर्वीची? मी माझी सही मी आजच्या डेटचीच टाकणार, ज्या दिवशी माझी सही होत आहे तिथे डेट नसते, तिथे डेट माझ्या सहीची असते। 1-8-2-4-8-2 किती? 8-2 नाही नाही, आज तुम्ही जो भरला अर्ज त्याचा हे कुठे आहे? त्याची तारीख तो बाहेर आहे, तो बाहेर आहे, तो बाहेर आहे, तो बाहेर आहे त्यांच्या त्यांच्या टेबलवर आहे, माझी सही घेतलेली। आजची तारीख पाहिजे तो आपली डेट माझी, याचा मी दाखवतोय आता, मी सही घ्यायचं तुला दाखवतोय मी की मी 4-2 मध्ये सही मागे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।